नाजरीन सलाम व आदाब, मैं हूँ राजेंद्र तिक्कू जो आपको खैर मकदम कहता हूँ, और हमारे साथ है संतोष संत, बांसुरी वादक जो रियासत के दौरे पे हैं। देखिए, ये जम्मू जो प्रोविंस है इससे मैं बहुत इमोशनली जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने एक समय में 94 में ऑल इंडिया रेडियो जम्मू ज्वाइन किया था एज ए बांसुरी वादक, तो उस समय से मेरा रिश्ता इससे जुड़ा हुआ है जम्मू से, और इसीलिए मैं जम्मू आने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो अभी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जम्मू आया और मेरा यहाँ प्रोग्राम रखवा दिया गया, तो मैं उसमें मेरे को डबल इजाफा बोलूँगा उसको, तो डबल इजाफा हुआ और बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ लोग, मैं जोड़ने की कोशिश, जब तक मैं यहाँ था तब तक मैं ऐसा कुछ लोगों को जोड़े रखता था कि जो क्लासिकल म्यूज़िक के बड़े प्रशंसक है, उसके एडमायरर रहे हैं, तो ऐसी ही कोशिश रहेगी कि ये प्रोविंस ऐसा है कि यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्लासिकल ज़रूर हो सकता है। दूसरी बात ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि संगीत के हवाले से अगर बात करें तो इसमें ये है कि एक तो गुरु शिष्य परंपरा को हम मानते हैं, और दूसरी ये कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी हाँ बड़े बड़े स्कूल हैं जो म्यूज़िक सिखाते हैं, क्या वो सही है या गुरु शिष्य परंपरा सही है? इसके हवाले से अगर आप बात करें तो आप क्या समझते हैं, कौन सी शैली सही है सिखाने के लिए? अगर मैं आपसे पूछूं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, संगीत और मौसीकी ऐसी चीज़ है कि जो अपने आप में समर्पण मांगता है, सरेंडर। तो सरेंडर जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं उसमें एक मतलब टेक्निकल इशू हो जाता है कि भाई टीचर आएगा, वो 2 घंटे की क्लास लेगा या 1.5 घंटे की लेगा, उसके बाद वो 1 मिनट भी नहीं रुकेगा, और उसको उसके उसके एवज में उसको एक मोटी तनख्वाह मिलती है, ऐसे चला आ रहा है। तो वो टीचर जो सिखाता है वहाँ पे, वो बच्चे सीखते हैं, उसमें ग्रास्प करते हैं, उनको कितना ग्रास्प किया, कितना नहीं किया, कितना वो समझ पाए, क्योंकि टीचर तो चला गया सिखा के, अब वो बच्चे का जो पूरा दिन है वो कहाँ बीतेगा, वो घर में जाएगा। पर गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा नहीं है, बच्चा गुरु के पास जाता है, उनको समर्पित सरेंडर होता है पूरी तरह से, और गुरु के घर पर रहता है, गुरु उसको अपने घर पर रखता है, अपने क्लास में या जिनके गुरुकुल हैं गुरुकुल में रखता है, गुरुकुल में बच्चे आते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं बजाते हैं, रियाज कितना रियाज कर रहा है इसके ऊपर गुरु का ध्यान रहता है। तो गुरु और शिष्य जब सामने सामने बैठते हैं तो उनका जो खाली म्यूज़िक ट्रांसफॉर्म नहीं होता, उनकी पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और एनर्जी की क्वालिटी, उनका गुरु का इंटरेक्शन क्या रहता है, कितना सॉफ्ट नेचर है, कितना कैसा पेश आना चाहिए पब्लिक के सामने, श्रोताओं के लिए, ये सब सीखता है, भारत की सबसे महान परंपरा मानता हूँ। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूँगा कि आप एक बांसुरी वादक हैं, क्या फिल्मों में वगैरह कहीं टेलीविज़न या किसी और माध्यम के लिए आपने काम किया है आज तक? अगर किया है, फिल्मों का एक माध्यम एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, परंतु जब मेरा बहुत ही कोई अजीज़ दोस्त होता है, कोई फिल्मों में कुछ कंपोजिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, मेरे को बहुत कभी रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है ही पूरी, तो मैं कभी कोई बहुत ही खास या कोई क्लासिकल बेस्ड कंपोजिशन होता है, कोई रिक्वेस्ट करता है तो मैं चला जाता हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है कि जितनी देर हम बाहर टेक बजाएंगे, हमको हमारा प्रैक्टिस का रियाज़ हमको बहुत करना पड़ता है, हमारे रियाज़ का नुकसान होता है। मजीद आप कितनी खिदमत करते हैं? आपने तो हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने आपको सिखाया, तो आप किन को सिखा रहे हैं? क्या आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारे पास है, आप वो आपके खिदमत हासिल करते हैं? बिल्कुल आते हैं मेरे पास, पर मैं एक पैमाना रखता हूँ उसका, मैं ये पहले देखता हूँ कि उनके अंदर कितना पेशेंस है, जो भी बच्चे आते हैं मेरे पास उनको मैं 1 महीने तक उनको सरगम ही बताता हूँ, सरगम के आगे नहीं जाता, तो मेरा पेशेंस का चेकअप ऐसा होता है कि वो सरगम अगर बच्चा करे अच्छे से, उस पर मेहनत करे, और ये ना पूछे कि मैं कितने दिन में बजा लूँगा, अगर ऐसा कोई बच्चा पूछता है तो उसके अंदर पेशेंस की कमी है। ये क्लासिकल में कभी हम लोग अभी तक नहीं पूछ पा रहे अपने गुरु से कि हम कब महान बनेंगे, तो ये कोई पूछता है कि हम कितने दिन में बजा लेंगे, तो उस बच्चे को कहता हूँ बेटा तुम थोड़ा अभी सीख के आओ और संगीत के प्रति लगन पैदा करो, जब तक लगन पैदा नहीं होगी तुम शास्त्रीय संगीत का रिस्पेक्ट आदर ये सब करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मैं कितने दिन में बजा लूँगा, तुम्हारी आत्मा बताएगी कि अब यू आर रेडी टू प्ले। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।